क्या बोल रही पब्लिक, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही स्पेशल वीडियो। वेल, मुझे अभी ये तो बहुत पहले पता था कि बादशाह ने गेंदा फूल गाना चोरी किया है। चोर है बादशाह, हाँ बादशाह ने किया चोरी गाना। और हमको मुझे पता था क्योंकि मैंने ऑलरेडी लाल गेंदा फूल जो जो ट्रैक है उसके ऑलरेडी 3 वर्जन सुन चुका हूँ। 3 वर्जन, आई मीन कम ऑन गाइस। अभी मुझे ये कहीं से मालूम पड़ा है कि बादशाह ने अभी रिसेंटली उनके सोशल मीडिया पे ये शेयर किया कि वो सब उनको चोर बुला रहे हैं। कल तक वो हीरो थे, आज वो चोर बन गए। उनका जो कंटेंट है वो अभी चोरी में गिना जा रहा है। एंड पीपल, देखो मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि गेंदा फूल गाना भले ही उसको कितनी भी गाली पड़ रही हो, पीपल आर लाइकिंग इट, पीपल आर प्लेइंग इट अगेन एंड अगेन, ये एक चीज है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है ना कि बादशाह ने अपना स्टांस ये बोल के किया है कि उन्होंने एक्चुअली जो उसके ओरिजिनल जो जो वो जिस जिन्होंने वो लिखा था उसका उसको उन्होंने कुछ 5 लाख रुपए रतन कहर नाम का नाम जो है जिनका, तो ओरिजिनली ही वाज द क्रिएटर ऑफ दिस सॉन्ग, तो उसको बादशाह ने 5 लाख रुपीज दिया। ये जब उनको पता चला कि एक्चुअली रतन कहर का फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, प्लस उस सॉन्ग के नीचे क्रेडिट भी आ गया टी सीरीज के यूट्यूब चैनल में जब उन्होंने पोस्ट किया तो उसके क्रेडिट्स में उन्होंने रतन कहर का नाम दिया है। सो आई थिंक मैं बादशाह जो ये अकड़ दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे कि पहले तो मुझे लोग ये बोलते थे कि आई एम सच अ टैलेंटेड पर्सन, अभी मुझे चोर बोल रहे हैं। अरे तो चोरी बोलेंगे ना भाई, तुमने चोरी की ठीक है, बिंदास किसी को क्रेडिट नहीं दिया, और तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि भाई इसको भी मतलब तुम पागल है पागल है पागल है गाने जैसा रिस्पॉन्स मिलेगा। तुमको लाइक डिसलाइक के हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए यार। ठीक है, अभी मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसमें अगर मुझे 10 लाइक और 15 डिसलाइक मिलता तो चलो ठीक है, बट लाखों में डिसलाइक जब मिलेंगे लाइक से ज्यादा, तो यार समझ में आ जाता कि समवेयर यू आर रॉन्ग। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सबसे अजीब बात यह है कि टी सीरीज ने उसका लाइक डिसलाइक रेशियो जो आता है, जो लाइक डिसलाइक बटन को डिसेबल कर दिया, तो इन द सेंस इट इज वेरी मच क्लियर दैट इट हैज अफेक्टेड टी सीरीज एंड बादशाह अलॉट। और देखो यार, नेहा धूपिया के ऊपर मीम्स ना, जब तक मीम और मीमर जिंदा है तब तक बनते रहेंगे, और उसी चीज की वजह से फेमिनिस्ट बातों के लिए उसका मीम टेम्पलेट उठाया जाएगा हर बार। इसी तरह बादशाह का मजाक भी कॉपीराइट, आई मीन आई एम सो सॉरी, किसी का कंटेंट चोरी करने के लिए भी लिया जाएगा। मैं इतना शॉक्ड हूं कि जब फगली मूवी में जब सारा का सारा जो भी कंटेंट बनाया गया था म्यूजिक में उसका पूरा का पूरा क्रेडिट हनी सिंह ने ले लिया, उसने रफ्तार को नहीं दिया ना ही बादशाह को दिया, तब जाके रफ्तार एक्चुअली यू नो प्रोटेस्टेड अगेंस्ट हनी सिंह एंड ही एक्चुअली क्रिएटेड अ रकस अबाउट इट। एंड आई एम रियली शॉक्ड कि बादशाह खुद हनी सिंह बन गया है। मतलब सीधी सी बात है यार, व्हेन यू जब आप टी सीरीज के टच में आ जाते हो ना, तो अपन इज भगवान है भाई, अपन इज भगवान है। अपना कंटेंट अपन चोरी किए ले, किसी का बाप इसको 70 साल पहले बनाया रहेगा, मर गया रहेगा, जिंदा रहेगा या किसी झोपड़ी में सड़ रहा रहेगा, अपन उसको क्रेडिट नहीं देगा। लेकिन अपने पिछवाड़े पे जब बंबू गिरेंगी तब अपन डेफिनेटली क्रेडिट देगा, और क्रेडिट देके 5 लाख रुपया देने के बाद, उसका मुंह बंद करने के बाद अपन स्टेटस डालेगा सोशल मीडिया पे कि हाँ भाई देख ले अपने अपन चोर नहीं है, समझा ना, अबे तू चोर था और है और रहेगा। अब ये डिपेंड करता है कि तेरे कंटेंट आगे क्या आने वाले हैं। चोरी मिलेंगे तो हम डेफिनेटली उसको उठाएंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। 100 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ अपने लाइफ में किया है। नहीं हुए, मेरा कंटेंट डेली आएगा, ठीक है, मत दो। 86 पे जिंदगी भर भी रहा ना तो भी मैं बनाता रहूंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक कर देना। मैं मिलूंगा आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।